हम हैं हलपतपुर सुपरवाइजर, हमें हो गए 3 साल तनख्वाह बंद, आज 3.5 साल चल रहा है। हम पहले 20-25 साल हमें हुए नौकरी करते, उसके बाद उन्होंने हमें टर्मिनेट आर्डर कर दिया, मगर हमें कोर्ट में पहले किया, फिर उसके बाद इन्होंने टर्मिनेट आर्डर दिया। फिर जब हमें कोर्ट आर्डर किया, हमें रोज देते वो उधर का वो कोर्ट का, इधर से हमें ये मानते नहीं इनको कुछ, उसके बाद क्या इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो हम इसलिए आते हैं इधर बार बार, हमें हो गए 3 साल इधर प्रेस काली में आते हैं, हम इधर करते हैं प्रोटेस्ट भी करते हैं सारा कुछ, मगर हमारा ये सुनती नहीं गवर्नमेंट। हमें इतना मजबूर किया, अब हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। हम इधर आते कितने, हमें लगते 500 भी 600 भी किराया हम रोज़ आते इधर, मगर हमारा कुछ नहीं सुनते। अब हमें इतनी सख्ती, अब हम मरने के लिए भी तैयार है, गोली खाने के लिए भी तैयार है, मगर हमारे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नौकरी हम छोड़ेंगे नहीं किस लिए, अगर हमें ये हम मारेंगे भी कुछ भी करेंगे, हम फिर भी सड़कों पर आते रहेंगे। हमारे बच्चे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते, हमें उधर फीस नहीं है। उधर बोलते टीचर क्या इनको बच्चों को हम निकाल देंगे, हमें 3-4 सालों से पे नहीं दे रहे, इसीलिए हम मजबूर हैं कि सड़कों पर आने के लिए। आज हमें आज तक हम फिर भी बोलते थे नहीं कुछ करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया, कोर्ट का हमें आर्डर दिया इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसीलिए हम मजबूर हो गए। अब सड़कों पर आने के लिए हम आते रहते हैं रोज़ रोज़, मगर सुनता कोई नहीं। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हाँ हमारा कोर्ट आर्डर वो इम्प्लीमेंट करो।